आपके लिए व्यवस्था भी है काका, नाचने के बाद चिंता नहीं। दो नंबर की जर्सी के द्वारा सर्विस और सीधे जाने दिया दर्शक दीर्घा में और अंकों में इजाफा होता हुआ टीम पंजाब का खाली खाली तोहफे में। जी हाँ, पहला सेट शुरुआती दौर पे ऐसा लग रहा था कि काफी आगे थी वाराघाट टीम, लेकिन किस तरीके से उनकी सर्विस ने इरर किया और सप्लाई को तोड़ा था, यह देखने वाली बात। इस बार काउंटर गेंद बेहतरीन अटैक, लेकिन सीधे ग्राउंड के बाहर। जी हाँ भैया, चेकआउट हुआ यहाँ पर, उसका फायदा मिलेगा पुनः बालाघाट को। स्कोर जा पहुंचा है दुर्वे साहब, एक बराबर। जी हाँ, काफी लंबी रैली चली थी एक बराबर के साथ। इस बार पुनः गेंद लिफ्ट होती है, इस बार काउंटर गेंद सूर्यकांत के लिए, बेहतरीन अटैक बाई सूर्यकांत, जर्सी नंबर 7 पंजाब। इस खिलाड़ी को जितना भी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है भैया जी। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ, अब ना सकते हैं चाचा आपसे ढोल वाले, लेकिन थोड़ी आवाज कम है, क्या शिकायत नहीं है। पंजाब की खेमे से सर्विस, दीपू के सर्विस जबरदस्त भर कर दिए हैं सर्विस, लेकिन ग्राउंड के बाहर। दो बराबर की सर्विस, अरे ये तो सामाजिक बात है, थोड़ा सहना ढोल बनवाया। इस बार गोला दाग दिए थे, देखते रह गए 3 नंबर जर्सी और अंक जा पहुंचा 3-2। दुर्वे जी, जी हाँ, 3-2 के साथ सर्विस, दीपू की सर्विस जबरदस्त सर्विस, देखते रह गए खिलाड़ी। दीपू का गोला देखते बनता है भैया, आप क्या कहेंगे दीपू के बारे में? दीपू की प्रशंसा इस सेट में जितनी भी करे, जो पिछला सेट है जिसके सर्विस के सहारे पंजाब आ गया, यानी तो बहुत पीछे थी। आप देख रहे थे, बेस्ट सर्विसर का भी खिताब है, निश्चित रूप से किसी के खेत खाते में जाएगा। एक बार दुर्वे जी कंसल्ट कर ले, फिर हम रैली पकड़ लेंगे। 5-2, जी हाँ, 5-2 के साथ जर्सी नंबर 7 दीपू चले अपने सर्विस लेकर। लंबी जर्सी बेहद पावरफुल रहती है, इरर हुई इस बार और उसका इजाफा मिलेगा विपक्षी टीम बालाघाट को। स्कोर जा पहुंचा 3-5। आप कर नहीं सकते क्योंकि सामने पंजाब है, 3-5 करेंगे बालाघाट वाले तो स्कोर उनका बढ़ेगा, लेकिन इस बार मौका है पुनः बालाघाट को। जी नहीं, अपने आप से हताश काफी और मामला जा पहुंचा है 6-3, 1/2। तराजू पूरी बैठ चुकी है जमीन में और 1/2, 1 किलो आधा किलो। जी हाँ, 6-3 का माहौल है खेल की दुनिया पे। इस बार दोनों ही रेफरी बहुत अच्छे तरीके से तारतम्य के साथ, जुगलबंदी के साथ मिजबान बाजी हुआ कार्तिक का। अंक जा पहुंचा है 7-3, 7-3 और फाइनल का मुकाबला है। 7-3 के साथ सर्विस होगी लेफ्ट पोजीशन से, दीपू की सर्विस होगी, भरकर मारते हैं सर्विस और इस बार अवे कहा रेफरी महोदय ने और अंक जा पहुंचा 4-7। जी हाँ, 4-7 के साथ जर्सी नंबर 2 बालाघाट के मैदान से, ये भी दीपू की तरह सर्विस करते हैं, बीच बीच में हाथ रोकते। इस बार अटैक खुला था, खाली पा गए पवन, धुआंधार चले पवन, तवा गरम था, पापड़ सेक लिए, पराठा बना लिए जर्सी नंबर 5 ने और अंकों में इजाफा होता हुआ अंक की बढ़ोतरी होती हुई 8-4। 1/2 का मामला कायम रखे हैं पवन। इस बार जवाबी हमला हुआ है बालाघाट के खेमे से जर्सी नंबर 12, जो जिस तरीके से मंडला को के साथ सर्विस होगी, बहुत बढ़िया सर्विस, उतनी अच्छा लिफ्टिंग की जा रही, छोटे बाल की डिमांड थी, सफल हुए पंजाबी और अंक जा पहुंचा है। जी हाँ, 9-5, बजगरी से एकाध तो भांगड़ा भी हो जाए, पंजाबी टीम है, सब डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, बेहतरीन स्मैश, बेहतरीन अटैक के साथ फाइनल मुकाबला, और बेहतरीन धुआंधार अटैक था मैदान से, काफी बार अपना आपा खोया इस खिलाड़ी ने। मंडला के खिलाफ काफी बढ़िया खेले थे आप, देखे थे यादव जी? जी हाँ जी हाँ, इनके सहारे ही बालाघाट टीम सेमीफाइनल से विन हुई थी, इसमें कोई शक नहीं।
मामला कायम रहा और अंक है 10-5 एक बटे दो का मामला बराबर कायम रखे इस बार पंजाबी बंधु और देर से धकेल दिया इसका तो कोई जवाब ही नहीं है देखते रह गए खिलाड़ी और अंक जा पहुंचा 11-5 धीरे धीरे अपना दबदबा मना बैठा है दीपू माला घाट के ऊपर जी भैया बिल्कुल पंजाबी गाना जैसे ही बज रहे हैं थिरक रहे हमारे खिलाड़ी क्या बात है और अंक जा पहुंचा 6-11 तोहफे में 6-11 जरूर जी 5-11 जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाई तो मैं पूछ रहा था जी नहीं आपा हो रही है इस बार बहते ही हंसी मजाक के साथ दीपू भाई को बहुत बहुत थैंक्स ऐसा मौका था कि शायद निशाने में भाई हूं बोल के 12-6 मैंने कहा कि एक बटे का दो मामला कायम है ऐसा ना हो कि औसत एवरेज आपको भी पता है 25 का आधा कितना होता है और इसी के साथ जबरदस्त धमाका लेकिन उठा बिसिल बच चुकी है सेकंड रेफरी ताराम साहब का और अंक मिलता हुआ इसी के साथ अंक जा पहुंचा बालाघाट का 7-12 के साथ सर्विस होगी देखना होगा राइट हैंड पोजीशन से सर्विस चूरकांत को चुना था पवन ने फायदा लिया और अंदर दाग दिया नगाड़े होने चाहिए इस पवन के लिए भागड़ा है धीरे धीरे नाचो मिलके ऐसा है और कुछ नहीं हो चलिए 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 इसी के साथ दीपू की सर्विस होगी बहुत अच्छी सर्विस दीपू क्या कर पाते हैं अपने लिए टीम के लिए और ये जैसे तैसे करके बाल को पार किया काफी परेशानी और ये धकेल दिया स्कोर 14-7 जी हाँ 14-7 कायम है 1-2 मेरी जुबान से निकल रही है वो हमेशा कायम कैसे हो रहा है पलटवार नहीं कर पा रहे हैं बालाघाटी और ये पंजाबी का हमला ऑफ का था जो मामला खराब कर बैठा अंकों के साथ सर्विस अच्छी सर्विस ऊंची सर्विस उड़ी हुई सर्विस ही देखना होगा क्या कर पाते हैं और धीरे से बाल और ये जबरदस्त स्मैश लेकिन लेने में नाकामयाब नौ चौदह के साथ सर्विस होगी बालाघाट के खेमे से सर्विस होगी कुछ खामोशी का माहौल छाया हुआ है भैया जी जी हाँ और कहीं ना कहीं जीत की खुशबू महक पंजाब के खेमे पे विनर की आती नजर आ रही है यादव जी इसलिए भी हमारा सन्नाटा छाया हुआ है और इस बार ये एंटीना से टच हुई फायदा मिलेगा बालाघाट को और अंक जा पहुंचा 10-15 जी हाँ बेस्ट ऑफ थ्री का फाइनल मुकाबला है इस ओपन टूर्नामेंट का और ऐसे में एक सेट से आगे टीम पंजाब दूसरे सेट में भी स्कोर बढ़ा कर खेल रही है और बेहतरीन इस बार बेहतरीन ब्लॉक नवाब आना चाहिए इस शॉट के लिए भैया के साथ सर्विस दीपू की सर्विस होगी 16-11 के साथ काफी जबरदस्त सर्विस दीपू की सर्विस लेने में सफल हुए पुनः लिफ्टिंग की जा रही है ये जबरदस्त स्मैश एक खिलाड़ी गेंद के नीचे झपटे लेकिन गिर गए और अंक जा पहुंचा 12-16 12-16 के साथ सर्विस भाईजान की सर्विस 17-12 सर्विस का कमाल संभाले है 3 नंबर जर्सी बालाघाटी
स्कोरर एक बार और बताएंगे सर 18 12 कहे तो 2/3 आता है गणित में इसमें 18 12 तीन भाग और दो भाग मिलेंगे 18 12 के साथ सर्विस अच्छी सर्विस लेकिन नेट में जाऊल जी गेंद और फायदा मिलेगा टीम बालाघाट को और अंक जा पहुंचा 13 18 दीपू के दीवाने भी हैं दीपू गलत नहीं अरे वाह एंटीना को टकराती हुई बॉल आई है और अंक जा पहुंचा अब 14 18 तालियां बजनी चाहिए इस सर्विस के लिए और डिस्टेंस काफी कम होता हुआ धीरे धीरे और अंक जा पहुंचा 15 18 के साथ साथ ये पहला टेक्निकल टाइम आप पंजाबियों की तरफ से अब नगाड़े की धमाल नगाड़ा वादक नर्तकों के लिए भी 100 रुपए की नाम है प्लीज जो अच्छा डांस करेगा उसको 60 रुपए की वो और 40 रुपए की नमकीन फ्री रहेगी अंतिम रामी रमन चाचा दर्शकों के लिए भी नाम रखा गया है भैया ये बार और बताएंगे नर्तकों के लिए क्या नाम है जो अच्छा डांस करेगा 40 रुपए की नमकीन साथ में 60 रुपए का स्कोरर 16 18 गर्मा गए हैं बालाघाटी 16 18 16 18 के साथ सर्विस होगी 3 नंबर की सर्विस सर्विस का कमाल देखना होगा और ये चकमा दे गए काफी देर बाद और अंक जा पहुंचा 19 16 दीपू की सर्विस होगी देख रहे होगा दीपू का कपाते 19 16 के साथ और ये दीपू की सर्विस काफी देर बाद आई है और इसी के साथ ये जबरदस्त स्मैश लेकिन सीधे बाहर अंक जा पहुंचा 20 16 20 16 चार अंकों से अभी भी पिछड़ कर खेल रही है टीम बालाघाट जबकि एक सेट गंवा चुकी है पसीना बहाना होगा उनको 20 16 के साथ सर्विस बहुत अच्छा इसमें 7 नंबर जर्सी के द्वारा 17 20 नगाड़े बजने चाहिए अरे वाह लगे रहो शोर के आपके लिए बिल्कुल लगे रहो पवन चले धुआंधार और अपने टीम को एक अंक बढ़ाने से कोई नहीं रोक सका और अंक जा पहुंचा 21 18 अभी से पैसा लेने के लिए आ रहे हैं इधर अमल चाचा अब तो नाचेंगे नहीं पैसा नहीं मिलेगा चाचा अच्छे से नाचिए नहीं हुआ समझ गए कि माता बहनों के सामने नाचेंगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा माता बहनों का इसलिए वो आज के सामने आकर नाचने की तैयार है हमारे काका जी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर और टूर्नामेंट के अंतिम क्षणों की ओर अंक जा पहुंचा 22 18 सही कहा आपने और 22 17 माफ कीजिएगा 22 17 में कुछ होने वाला है खतरा और ये मारना चाहे लेकिन सीधे ग्राउंड के बाहर 2 अंकों का शेष रह गया है खेल 23 18 धमाल मचा दिया पंजाबी रोटी जी हाँ भैया बिल्कुल सही कहा हम सभी अतिथियों को दर्शकों का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उन्होंने हमें लगातार जो उपस्थित होकर इस टूर्नामेंट में सहयोग प्रदान किया है हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमेशा आपका सहयोग हमें मिलता रहे और ऐसी अपेक्षा है आप सभी से इस बात का भी हमेशा हर मैचों पे हर सामाजिक कार्यक्रमों में ध्यान रखें बार बेहतरीन ब्लॉक है और ब्लॉक इस बार काउंटर की सूर्यकांत के लिए इरादा बदलाते समय पर और अभी मुस्कुराए क्योंकि काफी कूल एंड पर्सन है सूर्यकांत देखा परखा और धीरे से बच्चों की तरह खिला दिया सामने वाले को और लास्ट पॉइंट
कि ये टूर्नामेंट पॉइंट भी हो सकता है। बिल्कुल।